Hey ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 ऐसी फ्रेंचाइजीज बताने वाला हूँ जो कि अपने एंड के बहुत ही करीब है. मतलब अगर इन फ्रेंचाइजीज के डेवलपर्स ने इम्प्रूवमेंट्स नहीं किए तो आने वाले कुछ सालों के अंदर ये फ्रेंचाइजीज कम्प्लीटली डेड हो जाएगी. तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना. एंड एक चीज और याद रखना कि ये जो वीडियो होने वाली है ना, वो कम्प्लीटली मेरे ओपिनियंस पे बेस्ड होने वाली है. मैं इंटरनेट से कुछ भी नहीं देखता, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ मेरे खुद के ओपिनियंस होते हैं. तो इस वीडियो को पूरी देखना. एंड अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो हे गाइस, दिस इज सैम वॉकर एंड यू आर वाचिंग बिग बैंग जी. तो यार, इस लिस्ट की जो सबसे पहली फ्रेंचाइजी है वो है जस्ट कॉज. यार देखो, जस्ट कॉज फ्रेंचाइजी वैसे तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फ्रेंचाइजी है. इवन इसके जो गेम्स है ना, वो भी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट कॉज 4 के रिलीज होने के बाद से ये जो फ्रेंचाइजी है ना भाई, वो बहुत ही तगड़े घाटे के अंदर चल रही है. क्योंकि यार जो जस्ट कॉज 4 था ना, उसकी जो सेल्स थी ना, वो जस्ट कॉज 3 से भी बहुत ही ज्यादा कम थी. एंड इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था ना, वो था जस्ट कॉज 4 की ग्राफिक्स प्लस इन गेम्स की स्टोरी लाइन. अब देखो यार, यूं तो जो जस्ट कॉज गेम्स ना, वो फेमस है अपने VFX के लिए. मतलब जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है, मतलब जो स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह ये है ना, उनके लिए फेमस है. प्लस इनका जो मैप होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है. बट इन गेम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन गेम्स की जो स्टोरी लाइन है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा बोरिंग सी होती है. मतलब आप गेम प्ले को तो एंजॉय करोगे, लेकिन इन गेम्स की स्टोरी लाइन को उतना ज्यादा एंजॉय नहीं करोगे जितना आप और गेम्स की स्टोरी लाइन को करते हो. एंड यही रीजन है कि लोग इन गेम्स के अंदर इंटरेस्ट कम लेने लगे. क्योंकि देखो, जस्ट कॉज 2 के बाद यही हो रहा है कि जितने भी गेम्स आ रहे हैं ना जस्ट कॉज फ्रेंचाइजी के अंदर, उनकी स्टोरी और भी ज्यादा बोरिंग होने लगी. मतलब जहां पे स्टोरी को इम्प्रूव करना चाहिए, वहीं इनकी जो स्टोरी लाइन है ना, वो और भी ज्यादा बोरिंग होने लगी. तो स्टोरी के मामले में तो ये गेम किसी भी काम के नहीं है. वहीं बात करें गेम प्ले की, तो गेम प्ले के अंदर भी इतने ज्यादा चेंजेस नहीं हुए. इसीलिए जो लोग है ना, वो इंटरेस्ट खोने लगे जस्ट कॉज फ्रेंचाइजी से. एंड इसका जो सीधा एग्जांपल है ना, वो आप देख सकते हो कि जो जस्ट कॉज 4 है ना, वो कितने बुरे तरीके से पीटा था. लोगों ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस गेम के अंदर. तो यार देखो, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि अगर आने वाले गेम के अंदर ये ढंग के इंप्रूवमेंट्स वगैरह ये नहीं करेंगे ना, जो लोग चाहते हैं, तो कुछ सालों के अंदर ये फ्रेंचाइजी भी कम्प्लीटली डेड हो जाएगी एंड लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. तो होपफुली जो एवलेंच स्टूडियोज है ना, वो जस्ट कॉज 5 के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करेंगे. तो चलो अब मूव करते हैं इस लिस्ट की सेकंड फ्रेंचाइजी की तरफ. तो यार, इस लिस्ट की जो सेकंड फ्रेंचाइजी है वो है वॉच डॉग्स. अब देखो यार, आई एम श्योर कि आपको वॉच डॉग्स का नाम सुनते ही बहुत ही बड़ा झटका लगा होगा. क्योंकि वॉच डॉग्स वो फ्रेंचाइजी है जो कि बहुत ही बड़े की तरफ से आती है. प्लस इस फ्रेंचाइजी का जो फैन बेस है ना, वो भी बहुत ही बड़ा है. बट अनफॉर्चुनेटली आपने भी एक चीज नोटिस की होगी कि जब से वॉच डॉग्स 1 रिलीज हुआ है ना, उसके बाद से इस फ्रेंचाइजी की जो पॉपुलरिटी है ना, वो कंसिस्टेंटली ड्रॉप होती जा रही है. एंड इस चीज के पीछे जो सबसे बड़े रीजन है ना, वो ये है कि एक तो गेम बाय गेम इन गेम्स की जो स्टोरी है ना, वो बोरिंग होती जा रही है. प्लस जो गेम प्ले है ना, उसके अंदर भी इतने ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हो रहे. एंड जो एडवांसमेंट हो भी रहे ना, वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे. लाइक वॉच डॉग्स लीजियन के अंदर आपने देखा था कि आप किसी भी NPC को आपका मैन कैरेक्टर बना सकते थे, बट इस चीज को भी उन्होंने ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रेंचाइजी है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे बोरिंग होती जा रही है एंड रिपीटेटिव होती जा रही है. एंड अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो आई एम डैम श्योर कि एक दो गेम्स के बाद ये फ्रेंचाइजी भी ठंडी पड़ जाएगी एंड लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कम्प्लीटली. लाइक यार देखो, मेरे को खुद को ही देख लो, मैंने जितना वॉच डॉग्स 1 को एंजॉय किया था ना, उतना सेकंड एंड थर्ड को नहीं किया. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे इनके जो गेम्स है ना, वो बोरिंग से होते जा रहे हैं. खैर यार, ये एक ओपिनियन की बात है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है. आपके ओपिनियन में क्या पता गेम्स इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो, बट मेरे ओपिनियन के अंदर तो भाई ये गेम्स डेड होते जा रहे हैं. एंड यूबीसॉफ्ट के पास टाइम है कि अभी भी वो इस फ्रेंचाइजी को बचा सकता है, नहीं तो इसका भी हाल प्रिंस ऑफ पर्शिया की तरह ही होगा. एक ना एक दिन लास्ट गेम आएगा, फिर उसके बाद कोई भी गेम नहीं आएगा. तो देखते हैं यूबीसॉफ्ट क्या कुछ करता है. बाकी चलो अब मूव करते हैं इस लिस्ट की थर्ड फ्रेंचाइजी की तरफ. तो यार, इस लिस्ट की जो थर्ड फ्रेंचाइजी है वो है बैटलफील्ड. अब यार देखो, बैटलफील्ड के बारे में तो मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स की फ्रेंचाइजी है. लेकिन जब से बैटलफील्ड 5 एंड 2042 आए हैं ना, तब से इस फ्रेंचाइजी की भी ढंग से बैंड बजी हुई है. एंड क्यों बजी हुई है, उसके बारे में मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है. बैटलफील्ड 5 को तो इसलिए लोगों ने हेट किया क्योंकि उसके अंदर फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी. एंड बैटलफील्ड 2042 को लोगों ने इसलिए हेट किया क्योंकि वो लाइक इसी के था. मतलब ऐसा घटिया गेम बनाया था ना EA ने कि मैं आपको क्या ही बताऊं. ग्राफिक्स देख लो, गेम प्ले
देख लो या ऑप्टिमाइजेशन देख लो, हर एक चीज घटिया थी 2042 के अंदर। मतलब जो बैटलफील्ड फ्रेंचाइजी ग्राफिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड अपने गेम प्ले के लिए जानी जाती थी ना, वही बैटलफील्ड 2042 के आने के बाद उन्हीं चीजों की वजह से बदनाम हो रही है। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बैटलफील्ड फ्रेंचाइजी भी लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगी। क्योंकि यार लोग कितने पैसे खर्च करके इन गेम्स को खरीदते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे, ट्रिपल ए वाली क्वालिटी नहीं देंगे, तो किसका इंटरेस्ट बनेगा इन गेम्स को खरीदने में। तुम खुद ही देख लो कि 2042 से ज्यादा लोग बैटलफील्ड 1 या पुराने जो बैटलफील्ड गेम्स है ना उनको ज्यादा खेल रहे हैं। तो यार इससे यह प्रूव हो जाता है कि जो बैटलफील्ड गेम्स की क्वालिटी है ना वो गेम बाय गेम ड्रॉप होती जा रही है। एंड ईए को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो फ्रेंचाइजी है ना वो कम्प्लीटली डेड हो जाएगी। तो देखते हैं ये क्या स्टेप्स लेता है। बाकी चलो अब मूव करते हैं इस लिस्ट की फोर्थ फ्रेंचाइजी की तरफ। तो यार इस लिस्ट की जो फोर्थ फ्रेंचाइजी है ना वो है सैंड्स रो। अब देखो यार, यूं तो जो सैंड्स रो फ्रेंचाइजी है ना वो भी एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी है। इस फ्रेंचाइजी का भी एक सेपरेट फैन बेस है, लेकिन ये जो फैन बेस है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो पुरानी फ्रेंचाइजी का है। मतलब जो सैंड्स रो 1, 2, 3 और 4 गेम्स थे ना उनका फैन बेस है। नए वाले गेम का तो ये हाल है कि लोगों ने ट्रेलर देख के ही हेट करना शुरू कर दिया था कि भाई जो पुराने प्रोटैगनिस्ट थे वो कहाँ गए, ये क्या बच्चे डाल दिए गेम के अंदर। तो यार देखो, ये जो नया सैंड्स रो गेम आया था ना उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये गेम सैंड्स रो का गेम ही नहीं लगता था। अब भले वो एनवायरमेंट की बात हो, भले वो स्टोरी लाइन की बात हो, भले वो गेम प्ले की बात हो, हर एक चीज के अंदर ये जो नया गेम था ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट था पुरानी फ्रेंचाइजी के साथ। ठीक है, मान लेते हैं कि एक रिबूट वर्जन था तो ऑब्वियसली चीजें कम्प्लीटली डिफरेंट ही होगी, बट एटलीस्ट इनको जो कैरेक्टर्स है ना उनके ऊपर तो फोकस करना चाहिए था ना। उनको कैरेक्टर्स ढंग के बनाने चाहिए थे ताकि लोग उनको जमानों तक याद करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड जो सैंड्स रो रिबूट है ना वो बहुत ही बुरे तरीके से पिटा। इवन इसके जो सीईओ है ना उन्होंने भी बोला कि मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस गेम के लॉन्च से, जो कि यार एक बहुत ही बुरा साइन है। क्योंकि अगर इस फ्रेंचाइजी का सीईओ ऐसी बातें कर रहा है ना तो इसका जो फ्यूचर है ना वो शायद डार्क हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता ये सैंड्स रो का लास्ट गेम हो, इसके बाद कोई भी सैंड्स रो का गेम नहीं आए। खैर ये तो देखने वाली बात होगी, बट इतना मैं श्योर हूँ कि एक या दो ही गेम आएंगे इस फ्रेंचाइजी के अंदर, बाकी ये जो फ्रेंचाइजी है ना वो कम्प्लीटली डेड होने वाली है। एक दो गेम तो मैंने ज्यादा बोल दिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही लास्ट गेम है क्योंकि इनकी हरकतें देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले टाइम में कोई भी गेम नहीं आने वाला। लेकिन देखने वाली बात है आगे क्या कुछ होता है। बाकी चलो अब मूव करते हैं इस लिस्ट की लास्ट फ्रेंचाइजी की तरफ। तो यार इस लिस्ट की जो फिफ्थ फ्रेंचाइजी है ना वो है नीड फॉर स्पीड। अब देखो यार ये चीज तो अपन सब लोग जानते हैं कि ऐसा शायद ही कोई हो जिसने नीड फॉर स्पीड का कोई भी गेम ना खेला हो, क्योंकि भाई जब भी रेसिंग गेम्स की बात आती है तो कोई नीड फॉर स्पीड को कैसे भूल सकता है। नीड फॉर स्पीड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है रेसिंग गेम्स के मामले में, बट अनफॉर्चुनेटली जो नीड फॉर स्पीड फ्रेंचाइजी है ना उसकी भी क्वालिटी गेम बाय गेम ड्रॉप होती जा रही है और फ्रेंचाइजीज की तरह। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो नीड फॉर स्पीड 2015 था ना वो लास्ट अच्छा गेम था नीड फॉर स्पीड फ्रेंचाइजी में। उसके बाद जितने भी गेम्स आ रहे हैं ना मुझे तो भाई बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहे हैं। मतलब मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता हूँ नए गेम्स को, क्योंकि यार इन नए गेम्स के अंदर नीड फॉर स्पीड फ्रेंचाइजी का फील ही नहीं आता। मतलब ऐसे लगते हैं कि कोई और ही फ्रेंचाइजी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। 2015 तक तो ठीक ठाक थी ये फ्रेंचाइजी, लेकिन उसके बाद से पता नहीं क्या ही हो गया ईए को कि उल्टे सीधे गेम बना रहा है, स्टोरी भी बिना काम की, एंड मतलब क्या ही कोई सेंस ही नहीं बनता इन गेम्स का। बस इन गेम्स के विजुअल्स इंप्रूव हो रहे हैं, बाकी और कोई भी इंप्रूवमेंट्स मुझे देखने को नहीं मिल रहे। एंड यही रीजन है कि जो नए गेम्स है ना नीड फॉर स्पीड के उनकी सेल्स पुराने गेम्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि यार लोग नए गेम्स को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे तो क्यों खरीदेंगे वो उन गेम्स को। उनको पता है कि पेबैक कैसा था, हीट कैसा था, सारे के सारे फर्जी गेम थे उनका। बस हाँ मल्टीप्लेयर अच्छा हुआ है, बाकी सारे गेम्स पागल गेम्स है। तो भाई मैं तो इतना ही बोलूंगा कि ये फ्रेंचाइजी भी डेड होती जा रही है। ईए के पास अभी भी चांस है कि वो इस फ्रेंचाइजी को बचा ले, नहीं 2-3 गेम्स के बाद देखना इस फ्रेंचाइजी की जो पॉपुलरिटी है ना वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएगी। खैर देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी ईए जो नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड था ना ओजी मोस्ट वांटेड उसका रीमेक भी बना रहा है, तो शायद हो सकता है कि वापस से इस फ्रेंचाइजी को थोड़ी बहुत पॉपुलरिटी मिल जाए। बाकी अगर ऐसा नहीं होता तो तुम जानते हो कि फ्यूचर क्या है, नीड फॉर स्पीड भी एक दिन दफन हो जाएगी। तो यार यही 5 फ्रेंचाइजीज थी जो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर डेड हो जाएगी। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है इस वीडियो को लेके प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।